वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस बताऊंगी कि कौन से आप लोगों के चैप्टर सेप्टेम्बर में यानी टर्म 1 में आप लोगों से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्कूल में डिस्कस होगा तो सबसे पहले बुक 1 से आप लोग दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर को समझेंगे। अब जो मैं टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ वो फोकस पॉइंट है, आप लोग उस पर ध्यान देंगे और बुक साथ में लेकर बैठेंगे और उस पर हैंड टू हैंड टिक लगाते जाएंगे। तो सोवियत प्रणाली आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद गोरबचेव और उसके विघटन के बारे में पता होने चाहिए। इसके बाद सोवियत संघ के टूटने के क्या क्या कारण थे और जब वो टूटा तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकले। शॉक थेरेपी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके रिजल्ट क्या क्या निकले। स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा इससे बाहर आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। विश्व राजनीति में नई संस्था है। स्टूडेंट्स, रूस के बारे में पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। बाल्कन राज्य आपको पता होना चाहिए, कौन से राज्य हैं, मध्य एशियाई राज्य रूस पता होने चाहिए। इसके बाद समाजवाद के बाद भारत में अन्य राज्यों के साथ संबंध कैसे रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा रहा है, भारत और बांग्लादेश का आपस में संबंध कैसा रहा है। बट राज्यों की बात की जा रही है तो आप लोग राज्य के संबंध में ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद सत्ता के समकालीन केंद्र स्टूडेंट चैप्टर, इसमें आप लोग यूरोपीय संघ कंप्लीट पढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ से हम आसियान कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे। एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन किस तरह उभरा है, यानी इकोनॉमी पावर बहुत है, पूरा कंप्लीट आप चीन के बारे में स्टडी करके जाएंगे। उभरी शक्तियों के रूप में तो जिस तरह अब जापान उभरी शक्तियों के रूप में उभर कर आया है और दक्षिण कोरिया, इनकी शक्तियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये फोकस पॉइंट है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है। आप कोई और टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप टिक लगाएंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र, तो आप लोग बताएंगे वहाँ पे सेना का शासन है या लोकतंत्र का शासन है। जैसे पाकिस्तान में सेना शासन है या लोकतंत्र शासन है, या बांग्लादेश में सेना शासन है या लोकतंत्र शासन है। अब नेपाल में क्या है, राजाशाही शासन है और लोकतंत्र। श्रीलंका में क्या है स्टूडेंट, जाति संघर्ष वहाँ देखने को मिलता है, जो अल्पसंख्यक ग्रुप में लोग हैं, और लोकतंत्र शासन, बेसिकली दोनों ही आप लोगों को पता होने चाहिए। श्रीलंका का जातीय संघर्ष वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 मार्क्स कवर अप करता है, और लोकतंत्र शासन। इसके बाद भारत पाकिस्तान का संघर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके आपस में क्या संबंध रहे थे या क्या संबंध रहे हैं। भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे में पता होना चाहिए, शांति और सहयोग, किस तरह भारत और उसके पड़ोसी देश को आपस में सहयोग की ज़रूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, तो इससे आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है। संयुक्त राष्ट्र का विकास किस तरह हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरह रहा है, इसका कार्य क्या रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में जो शीत युद्ध का दौर हुआ था स्टूडेंट्स, तो इसके बाद इसमें कौन कौन से सुधार आए हैं, ये सब आप लोगों को आपके बुक में गिवन है। संयुक्त राष्ट्र की संरचनाएँ बतानी है, इसकी प्रक्रिया एक्टिविटी बतानी है, इसमें कौन कौन से सुधार आए हैं वो बताने हैं। अगेन ये 5 मार्क्स कंप्लीट करता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार, तो भारत और संयुक्त राष्ट्र में किस तरह सुधार आए, इसके एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अब एजेंसी कौन सी है आप लोग याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, WTO विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है। इन सब के बारे में आप लोगों को स्टूडेंट 5-5, 6-6 लाइन पता होनी बहुत ज़रूरी है।
गैर सरकारी संगठन क्या है, एनएसटी इंटरनेशनल क्या है, ह्यूमन राइट वॉच क्या है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निहितार्थ यानी इसका क्या मतलब है और इसका आने वाला भविष्य क्या है, ये सब फोकस पॉइंट इन सब पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर है, इसमें आप लोग सुरक्षा का मतलब और उसके प्रकार को समझेंगे। स्टूडेंट सुरक्षा के पारंपरिक इसकी कौन कौन सी पुरानी अवधारणा है, सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणाएँ कौन सी रही हैं स्टूडेंट्स, इसके खतरे के कौन कौन से नए स्रोत हैं, इसके सहयोगात्मक सुरक्षा जो सपोर्ट में है, इसके बाद भारत की सुरक्षा की रणनीति कि हमारे भारत के पास क्या क्या है हमारी सुरक्षा की नीति को लेकर के, इसके बाद चैप्टर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आ रहा है जिसमें आप लोग स्टूडेंट्स पर्यावरण संबंधी चिंताएँ को लिखेंगे। ग्लोबल कॉमन्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद सामान्य लेकिन विभेद उत्तरदायी तत्व स्टूडेंट्स तो सब कुछ आप लोगों को पढ़ के जाना है कि भारत के पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके आंदोलन, इसकी राजनीति और उसके मूल निवासी अधिकार की लोगों के पास कौन सा अधिकार है। इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, तो इसकी अवधारणा पता होना चाहिए, इसके रीज़न और इसके रिजल्ट पता होने चाहिए, भारत और वैश्वीकरण के भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये इसके प्रतिरोध क्या है और भारत और वैश्वीकरण के आपस का प्रतिरोध क्या रहा है। तो बेसिकली सांस्कृतिक में आप लोग इसे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट दूसरी बुक है आप लोगों की स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसमें आप लोग क्या पढ़ के जाएंगे जो आप लोगों को नहीं छोड़ने हैं। नए राष्ट्र के सामने तीन चुनौतियां थी, कौन कौन सी, एक विभाजन की कि लोग डिवाइड हो गए थे, विस्थापन के लोग बेघर हो गए थे और पुनर्वास की, तो उनके आप परिणाम बताएंगे कि क्या परिणाम निकले, इनमें क्या क्या समस्याएं आई, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसके अंदर, और हैदराबाद और मणिपुर राज्यों के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ, यहाँ कहीं भी हर एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक दलीय प्रभुतत्व युग, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो लोकतंत्र के निर्माण के सामने कौन सी चुनौतियां थी स्टूडेंट्स, और पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस के प्रभुत्व की वहां प्रकृति थी, सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में फिर वहाँ कांग्रेस आई, गुटों में सहिष्णुता और प्रबंधन हुआ और काफ़ी अपोजिट पार्टियां भी थी जिसके अंदर विपक्षी, जिसे हम विपक्षी दलों का उदय के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये पूरा सिलेबस आप लोगों को टर्म वन के लिए सितंबर 15 सितंबर 2023 तक ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। जो आप लोगों के एग्ज़ाम में अभी जो मैंने चैप्टर बताए हैं वो सभी चैप्टर आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से बहुविकल्पी यानी केस स्टडी आधारित ये पैराग्राफ दिया जाएगा और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कार्टून भी आप लोगों को दिए जाएंगे, कार्टून पर आधारित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बुक में से आप लोगों को कार्टून प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसके बाद मानचित्र यानी आप मैप की भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ये सब कुछ आप लोगों के टर्म वन में कवर अप हो रहा है। आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।